तिल की खेती खरीफ मौसम में बड़े क्षेत्रफल में की जाती है और इसकी बुवाई का उपयुक्त समय चल रहा है, तो आप तिल की वैज्ञानिक तकनीक से बुवाई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तिल की खेती में जो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है वो यह है कि आप जिस खेत में तिल की बोनी करने जा रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि भूमि अच्छी जल निकास वाली, ताकि खेत में जल भराव ना हो सके, अन्यथा आपकी फसल सड़ सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। उचित जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए। तिल की खेती के लिए हल्की दोमट भूमि उपयुक्त होती है। तिल की खेती के लिए भूमि तैयारी की बात करें तो 2-3 जुताई मिट्टी पलटवा हल से करें और खेत को ध्यान में रखते हुए समतल कर लें और ढलवा, जिससे पानी का निकास हो सके और जल निकास की व्यवस्था आप जरूर करें। उर्वरक खाद की बात करें तो किसान भाइयों, 10 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें प्रति हेक्टेयर। अगर हम रासायनिक उर्वरक की बात करें तो 120 के जी नाइट्रोजन, SSP 240 KG, MOP 30 KG प्रति हेक्टेयर को उपयोग करना चाहिए, ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके अलावा आप मृदा परीक्षण अवश्य करवाएं। जिन किसान भाइयों ने मृदा परीक्षण करवाया है तो सॉयल हेल्थ कार्ड की रिकमेंडेशन के अनुसार उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। तिल की कुछ उन्नत तिल किस्में हैं जिनको लगाकर किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। TK21 पकने की अवधि है 70 से 75 दिन और इसका उत्पादन है 5 से 7 क्विंटल। TK55 इसकी पकने की अवधि है 55 से 76 दिन, उत्पादन इसका भी अच्छा मिल जाता है। और TK22 है एक, इसका उत्पादन है 75 से अच्छा 85 और इसका उत्पादन है 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और दोस्तों आपको बता दें किसान भाइयों कि जो किसान भाइयों इन किस्मों का चयन करता है तो उसको अच्छा उत्पादन मिलेगा। उसके साथ साथ तेल की प्रतिशत मात्रा में भी वृद्धि होगी। बीज की बात करें तो जो किसान भाई सीड ड्रिल से बोनी कर रहे हैं उनके लिए 3 से 4 KG बीज की आवश्यकता होती है, और जो किसान भाई छिटकवा विधि से बोनी कर रहे हैं तो उनके लिए 5 से 7 KG बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाई ध्यान दें कि जब बीज का बुवाई में प्रयोग करें तो बीज को उपचार करके ही बुवाई करें और थीरम प्रति KG बीज से उपचारित करके बोएं। बुवाई की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें, लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी रखें 8 से 10 सेंटीमीटर, और गहराई की यदि बात करें तो 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई करना चाहिए। इस प्रकार से तिल की बुवाई करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।